हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट सीरीज जिसका नाम है हाउ टू प्ले माइनक्राफ्ट और मे बी दिस इज द पार्ट 5। तो आज हम बात करेंगे एनचेंटिंग के बारे में कि एनचेंटिंग टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको यूज किया जाता है और क्या क्या एनचेंटमेंट्स हम ले सकते हैं एनचेंटिंग टेबल से। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाली है, बिल्कुल एडवांस में तो एनचेंटिंग के बारे में बात नहीं होगी, डिटेल्ड में मोर डेप्थ में जाके अगर वीडियो बनानी होगी तो मैं कभी बाद में अच्छे से रिसर्च करके बनाऊंगा। बट अभी के लिए जितना एक नॉर्मल प्लेयर को जरूरत होती है उतनी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक मारती है, नहीं तो मैं आपको मारती। चैनल पे अगर नहीं होती तो सब्सक्राइब करती। तो सबसे पहला काम होता है एनचेंटिंग टेबल बनाना। एंड एनचेंटिंग टेबल बनाने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। यहाँ पहले मेरा एनचेंटिंग सेटअप हुआ करता था बट अभी मैंने वो वीडियो बनाने के लिए रिमूव कर दिया है। सबसे पहला काम जो आपको एनचेंटिंग टेबल बनाने से पहले करना होता है, डायमंड ढूंढने होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायमंड कैसे ढूंढते हैं और उसी वीडियो में मैंने आपको एनचेंटिंग टेबल बनानी सिखा दी थी, बट मैं इस वाली वीडियो में भी सिखा दूंगा। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एनचेंटिंग टेबल बनाने के लिए डायमंड्स की जरूरत पड़ती है, ऑब्सिडियन की जरूरत पड़ती है और गन्नों की जरूरत पड़ती है, आई मीन शुगर केन्स। शुगर केन से ही पेपर बनते हैं और पेपर और लेदर के कॉम्बिनेशन से बुक्स बनती हैं। बुक्स से आप बुक शेल्फ बना सकते हो और बुक शेल्फ से एनचेंटिंग टेबल पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहले ना आपको एक एनिमल फार्म बनाना पड़ेगा जिसमें आपको गायों को ब्रीड कराना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि गायों को ब्रीड कैसे कराते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन तो नीचे होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि गायों को ब्रीड कैसे कराया जाता है। एक बार गायों को ब्रीड करा लिया आपने, इतना सारा कर लो उनको ब्रीड करा करा के, एंड जैसे ही आप इनको किल करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो लेदर और खाने के लिए बीफ। बीफ पकने के बाद स्टीक बन जाता है और लेदर का आप यूज कर सकते हो बुक्स बनाने के लिए। तो आपको लेदर मिल गया एंड आपको चाहिए अब शुगर केन। देखो शुगर केन इजीली वाटर बॉडीज के आसपास मिल जाएगा क्योंकि उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो नदियों के किनारे ही मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे काफी सारे शुगर केन उगा रखे हैं। शुगर केन को ढूंढना बहुत ईजी है, जस्ट ऐसे किसी नदी के किनारे आओ तो आपको वहां पे एक या दो शुगर केन उगे हुए मिल जाएंगे। एंड शुगर केन हमेशा उस डर्ट पे उगते हैं जिस डर्ट के साइड में पानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको तोड़ू, ठीक है, शुगर केन मैंने यहाँ पे लगाया, देखो इधर तो लग गया बिकॉज ऑब्वियसली ये वाटर बॉडी के साइड में है। अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे लगाऊं तो यहाँ पे शुगर केन लगने का ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लू यहाँ पे शुगर केन लगेगा ही नहीं बिकॉज इसके साइड में पानी है ही नहीं। अब ये तो ग्रेवल है, यहाँ तो ऑब्वियसली बात है शुगर केन नहीं लगेगा बिकॉज ग्रेवल पे शुगर केन नहीं लगता। तो मैं इस पे लगाऊंगा ना, इस वाले ब्लॉक पे, ये मट्टी का ब्लॉक है तो इस पे लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो शुगर केन से पेपर बनता है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा शुगर केन मैं इधर से ले लेता हूँ। मेरे पास बुक्स पहले से बहुत सारी रखी हैं बट आपको बना के भी तो दिखानी है ना, तो इस तरीके से मैं यहाँ से थोड़ा सा शुगर केन उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अब इन शुगर केन से हम अब पेपर बना सकते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल से मैं शुगर केन के पेपर बना लेता हूँ। तो शुगर केन अपना ये रहा, जैसे ही आप शुगर केन को इस ऑर्डर में रखते हो तो आपको पेपर मिल जाएंगे, तो मैं सभी के पेपर बना लेता हूँ। एंड अब आपको इनसे बनानी है थोड़ी सी बुक्स। तो बुक्स बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लेदर, एंड आई थिंक मेरे पास काफी सारा लेदर है बिकॉज मैं गायों को मारता रहता हूँ एक्सपी के लिए। ओके ये रहा 64 लेदर भाई, और फालतू का दो और पड़ा है, तो लेदर की तो कोई कमी होने वाली है नहीं। तो ये रहा अपना पेपर और ये रहा अपना लेदर। तो पेपर को इस ऑर्डर में रखना होता है एंड उसके बीच में एक लेदर रखना होता है, तो एक बुक मिल जाएगी। मैंने एक बुक बना के दिखा दी, वही बहुत है, इससे ज़्यादा मैं बनाऊंगा नहीं बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स रखी हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ देखो कितनी सारी बुक्स रखी हैं, 10 बुक तो इधर रखी हैं और बाकी की देखो 64 और 14 बुक्स रखी हैं। ये बुक्स मेरे पास पहले से इसलिए हैं बिकॉज मैंने एनचेंटिंग टेबल पहले से ही बना रखी थी, जैसे ही मैंने वो तोड़ा सेटअप तो मेरे को बुक्स मिल गई वापस। चलो बाकी की बात सुबह करते हैं, अभी सो जाता हूँ जाके। अरे बिल्ली क्या कर रही है मेरे कमरे में, वो मेरा ब्लेजर भी सो रहा है। ओके हमने बुक बनानी तो सीख ही ली है, अब हमको बनानी है एक एनचेंटिंग टेबल। एनचेंटिंग टेबल बनाने के लिए अपने को ऑब्सिडियन लगेगा और दो डायमंड चाहिए,
थोड़ा सा ऑब्सीडियन चाहिए और एक बुक चाहिए, तो आपकी एन्चेंटिंग टेबल बन जाएगी। ऑब्सीडियन ऐसे रखना है और डायमंड को इस तरीके से रख देना है एंड एक बुक ऊपर रख दो ऐसे, तो यहाँ पे एन्चेंटिंग टेबल बन जाएगी। अभी मैं बनाऊंगा नहीं बिकॉज मेरे पास पहले से पड़ी है, तो मैं अपने दो डायमंड क्यों ही खराब करूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी एन्चेंटिंग टेबल पड़ी होगी कहीं पे, ये रही। इतना होने के बाद इस एन्चेंटिंग टेबल को यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ये रही मेरी एन्चेंटिंग टेबल, इसी पे एन्चेंटिंग होती है। तो एन्चेंटिंग सेटअप कंप्लीट करने के लिए हमको बुक शेल्फ की जरूरत पड़ेगी, तो बुक शेल्फ बनाने के लिए हमको चाहिए काफी सारी वुड। तो वुड मेरे पास है ओक लॉग, इसकी मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ। एंड अब हमको बनानी है बुक शेल्फ, तो बुक शेल्फ बनाने के लिए बीच में बुक्स ऐसे रखनी होती हैं और उनको ऊपर और नीचे से कवर करना होता है बुक शेल्फ से। अराउंड 16 बुक शेल्फ बन चुकी हैं, अब हमको अपने एन्चेंटिंग सेटअप को इससे कवर करना है। अभी देखें हम इस एन्चेंटिंग टेबल को, तो इस तरीके का हमको कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। हमको इस पे लैपिस लाजुली रखनी होती है, ये एज अ फ्यूल काम करता है। एंड कोई भी वेपन जो आपको एन्चेंट करना है उसको ऐसे बीच में रख दो। तो यहाँ पे दिखा रहा है लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 4, मतलब ये मैक्सिमम हमको लेवल 5 तक की एन्चेंटिंग दे रहा है। हमको मिल रही है स्माइट 1, शार्पनेस 1 और बेन ऑफ आर्थ्रोपोड 1। अलग अलग एन्चेंटमेंट का अलग अलग मतलब होता है, बट अभी हम बस एन्चेंटिंग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अभी हमको लेवल 5 जो है वो मैक्सिमम एन्चेंटिंग लेवल मिलता है, बट जैसे ही आप इस एन्चेंटिंग सेटअप को अपग्रेड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 30 तक जाएगा। अगर मैं एक बुक शेल्फ यहाँ पे रख दूं तो आप देख सकते हो कि इसमें से कुछ एनिमेशन उड़के इस बुक के अंदर जा रही है, मतलब इन बुक्स के अंदर जो नॉलेज थी ना यहाँ पे जा रही है। अब देखते हैं किस लेवल का हमको एन्चेंटिंग मिल जाती है। अभी हमने एक ही बुक शेल्फ रखी है और देखो लेवल 6 तक पहुंच गया, पहले लेवल 5 तक था अब लेवल 6 तक पहुंच गया। एंड अब मैं एक और रख देता हूँ इधर। ठीक है, तो मैंने एक बुक शेल्फ यहाँ रख दी, यहाँ पे ऐसे लैपिस रखनी होती है, तो लेवल 7 पहुंच गया। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा भर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी रख देते हैं ऐसे, इसको कवर कर देता हूँ। अरे यार ये वाली मैंने गलत रख दी, तो मैंने इस तरीके से इसको कवर कर दिया है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कंप्लीट करना बाकी है इसको। अब देखते हैं कितने लेवल का हमको एन्चेंटिंग मिल रही है। तो हमको लेवल 14 तक की एन्चेंटिंग मिल रही है, यू कैन सी हियर लेवल 14। अभी मैं लेवल 4 तक की ही ले सकता हूँ बिकॉज मेरा अभी एक्सपी लेवल लो है, तो मेरे पास जो एक्सपी लेवल है अभी वो है 8, तो ये मेरे को बढ़ाना पड़ेगा तभी मैं लेवल 30 तक की एन्चेंटिंग ले सकता हूँ। बट अभी ये एन्चेंटिंग टेबल हमको सिर्फ लेवल 14 तक की एन्चेंटमेंट दे रही है। अगर हम और बुक शेल्फ रखते हैं इधर, लेवल और बढ़ जाएगा। अब ये हमें लेवल 18 तक का दे रहा है एन्चेंटिंग, यहाँ पे भी रख देते हैं लेवल 22 और यहाँ पे ऐसे रख दिया लेवल 26, टू मोर लेवल 30। तो देखा आपने, जब एक अकेली एन्चेंटिंग टेबल होती है तो वो बहुत बेकार एन्चेंटमेंट देती है। जैसे जैसे आप बुक शेल्फ ऐड करते चले जाओगे वैसे वैसे एन्चेंटिंग का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अब इससे ज्यादा अगर आप बुक शेल्फ लगाते हो तो उसको कुछ फायदा नहीं है बिकॉज हमको एन्चेंटिंग लेवल 30 तक की ही मिलने वाली है, उससे ज्यादा की एन्चेंटिंग हमको नहीं मिलती। तो बीच में एक एन्चेंटिंग टेबल है और उसको सराउंड किया गया है बुक शेल्फ से। अब ये एन्चेंटिंग सेटअप आपका पूरा रेडी है, इससे ज्यादा अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है। गिन लेते हैं हमको कितनी बुक शेल्फ लगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 15 बुक शेल्फ हमको लगी हैं इधर। चलो अपने एक आधे वेपन को एन्चेंट करके देख लेते हैं। ये मेरी आयरन की श्वॉर्ड है, ज्यादा लेवल की एन्चेंटिंग तो मैं इस पे ले नहीं सकता बिकॉज मेरे लेवल्स ही नहीं है, 8 लेवल है, तो मैं 8 से ऊपर लेवल की एन्चेंटिंग ले नहीं सकता। तो देखते हैं जो भी घिसी पिटी मिलती है इस पे। शार्पनेस 2 मिल रही हो, ये बहुत है, हमने शार्पनेस 2 इधर ले ली। लैपिस का कलर ब्लू होता है, तो जिस भी टूल को आप एन्चेंट करोगे वो ब्लू कलर का दिखेगा, जैसे कि अभी मेरी तलवार दिख रही है। सो या, यही था पूरा एन्चेंटिंग सेटअप। तो चलो कुछ एन्चेंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इतना बना ही लिया तो थोड़ा सा और सही, बाद में और डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट थोड़ी बहुत एन्चेंटिंग की अभी भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इस आयरन शॉर्ट पे अब कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज एक बार ही एन्चेंट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये है हमारी आयरन एक्स, तो हमको मिल रहा है इस पे एफिशिएंसी 2, सिल्क टच और सिल्क टच। तो इसमें एफिशिएंसी का मतलब है कि ये टूल कितनी एफिशिएंसी से काम कर सकता है, मतलब कितनी तेजी से काम कर सकता है। तो
एफिशिएंसी के आई थिंक लेवल 5 हैं, एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3, 4, 5. तो जितने ज्यादा लेवल उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, उतना ही अच्छा एन्चेंटमेंट. तो अभी एफिशिएंसी 2 मिल रही है तो ठीक ही है, इतना भी अच्छा नहीं है. ये है सिल्क टच. अब सिल्क टच जो होता है वो ज्यादातर यूजफुल होता है पिकेक्स पे और शवल पे. पिकेक्स पे इसलिए यूजफुल होता है कि अगर मान लो आपको एक डायमंड की ओर चाहिए, तो डायमंड की ओर लेने के लिए, उसको एज इट इज उठाने के लिए आपको सिल्क टच की जरूरत पड़ती है. बेसिकली नॉर्मली होता क्या है, जब आप डायमंड को माइन करते हो तो आपको डायरेक्टली डायमंड्स मिलते हैं. बट अगर आप डायमंड को सिल्क टच से माइन करोगे तो आपको डायमंड की ओर मिलेंगी. तो ये फायदा होता है सिल्क टच का. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ग्रास है, ठीक है, इस ग्रास को अगर आप माइन करोगे ना, वो ग्रास ब्लॉक नहीं आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा एक डर्ट ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ग्रास ब्लॉक है, देखो ये है ग्रास ब्लॉक और ये है एक डर्ट ब्लॉक. ये ग्रास ब्लॉक आप ले सकते हो अगर आपकी शवल पे सिल्क टच है. अगर शवल पे सिल्क टच नहीं है तो आपको डर्ट मिलेगा. तो ये कुछ चीजें हैं. अब आप कहोगे कि ये ग्रास ब्लॉक मेरे पास कहाँ से आया. ग्रास ब्लॉक मेरे पास आया जब मैंने कैंटरमैन को मारा था. ओके, तो कुछ और एन्चेंटमेंट्स की बात कर लेते हैं. ये मेरी पिकेक्स है. एफिशिएंसी 2 इसके बारे में तो बात कर ली हमने, सिल्क टच के बारे में भी बात कर चुके हैं. यार सेम एन्चेंटमेंट्स मिल रही हैं क्या भाई. अच्छा चलो ठीक है, मैंने अपने कुछ वेपन्स को पहले से एन्चेंट किया हुआ है, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी तलवार है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है फ्लैश. इस पे अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है, फायर एस्पेक्ट लगा हुआ है और शार्पनेस लगा हुआ है. अनब्रेकिंग 3 का मतलब है कि ये वेपन जल्दी से टूटेगा नहीं. अनब्रेकिंग के 3 लेवल होते हैं, अनब्रेकिंग 1, अनब्रेकिंग 2, अनब्रेकिंग 3. अनब्रेकिंग 3 का मतलब है इसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, नॉर्मल शॉर्ट के मुकाबले ये ज्यादा चलेगी. फायर एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस भी एनिमी को या फिर मॉब को इससे हिट करोगे तो उसमें आग लग जाएगी. शार्पनेस का मतलब होता है कि डैमेज ज्यादा देगी है, जितना ज्यादा लेवल उतना ज्यादा डैमेज. ये मेरी बो है, तीर कमान, इस पे भी अनब्रेकिंग लगा हुआ है, इसका मतलब तो मैंने बता दिया. पावर 4, इन्फिनिटी और फ्लेम. इन्फिनिटी का मतलब है कि आपको जस्ट अपनी इन्वेंटरी में एक तीर चाहिए और आप जितने चाहो उतना इससे फायर कर सकते हो, मतलब आपके तीर कभी खत्म ही नहीं हो गए, इन्फिनिटी नाम में लिखा है. फ्लेम का मतलब है कि आग लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है. और पावर 4 का मतलब है डैमेज. ओके, ये मेरी आयरन पिकेक्स है, इस पे फॉर्च्यून 2 लगा हुआ है और एफिशिएंसी 4 लगी हुई है. इस वाले पिकेक्स पे फॉर्च्यून 2 लगी हुई है. फॉर्च्यून के भी 3 लेवल होते हैं बट इस पे फॉर्च्यून 2 लगी हुई है. फॉर्च्यून 3 शायद कभी मिल जाएगी तो ले लेंगे, बट उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज डायमंड बहुत सारे हैं अपने पास. फॉर्च्यून का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई चीज माइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल डायमंड या और भी लैपिस लाजुली या फिर रेड स्टोन, तो माइन करने पे आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक डायमंड ओर से आपको 2 या 3 डायमंड्स भी मिल सकते हैं. तो ये फायदा होता है फॉर्च्यून का. चेस्ट प्लेट है, डायमंड की चेस्ट प्लेट, इस पे अनब्रेकिंग 2 लगी हुई है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 3 लगी हुई है. प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो उड़ती हुई चीज आएगी उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. डायमंड लैगिंग पे प्रोटेक्शन 2 लगी हुई है. प्रोटेक्शन 2 यानी कि जो डैमेज आप पे आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा. अच्छा एक बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गया कि आप बुक्स भी एन्चेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है, अगर मैं चाहूँ तो इस बुक पे भी एन्चेंटिंग डाल सकता हूँ. मेरे को इस बुक पे प्रोटेक्शन 1 मिल रहा है, पियर्सिंग 3 मिल रही है और पियर्सिंग 4 मिल रहा है. पियर्सिंग जो एन्चेंटिंग है वो हमारे शायद उस पे मिलती है, क्रोसबो पे मिलती है. इस पे पियर्सिंग 1 लगी हुई है, तो मैं चाहूँ उस पे पियर्सिंग 4 लगा सकता हूँ बिकॉज ये टेबल हमको पियर्सिंग 4 दे रही है. तो ये सारी बुक मैंने इसी तरीके से एन्चेंट करी हुई है. इस पे चैनलिंग हमारे ट्राइडेंट पे मिल जाती है जो बिजली कड़कती है. इम्पेलिंग भी, इम्पेलिंग के बारे में मेरे को इतना कुछ खास पता नहीं है. स्माइट 3, स्माइट एक ऐसी एन्चेंट है जो आपके शॉर्ड पे लगती है और ये विदर को ज्यादा डैमेज पहुंचाती है. विदर एक बॉस मॉब है जिसको मारना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो स्माइट जो एन्चेंटिंग होती है वो उस पे बहुत अच्छे से काम आएगी. आई थिंक स्माइट का मैक्सिमम लेवल 5 है. मान लो आपने कोई बुक इधर से एन्चेंट कर ली, ठीक है, बुक डाली और एन्चेंट कर ली. अब आपको इसको किसी वेपन पे लगाना है तो कैसे लगाओगे? ओके, तो ये वो बुक है. मान लो मेरे को ये अपनी आयरन एक्स पे लगानी है, ठीक है. वैसे आयरन एक्स पे सिल्टस लगाने का कुछ फायदा नहीं होता, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ. एनविल के ऊपर जाओ एंड अपनी आयरन एक्स को इधर रखो और सिल्टस को यहाँ पे रखो. मेरे पास अभी XP 7 है और कोस्ट मांग रहा है 4. अगर मैं इस एक्स पे सिल्क टच ले लेता हूँ ना, तो मेरे को एज इट इज चीजें मिल जाएगी जो भी मैं तोड़ूंगा. चलो मैं इस पे ले लेता हूँ.
अभी लेवल 4 था तो लेवल 3 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। होता क्या, जब आप नॉर्मल एक्स से इस शेल्फ को तोड़ोगे तो आपको शेल्फ नहीं मिलती, आपको बुक मिलती है। बट अगर आप इस एक्स से तोड़ोगे तो आपको शेल्फ ही मिल जाएगी, डायरेक्टली शेल्फ ही मिल गई। अगर मैं इसको किसी और चीज से तोड़ूं, सिर्फ हाथों से तोड़ूं अगर मैं इसको, तो मेरे को शेल्फ नहीं मिलने की, मेरे को बुक्स मिलेंगी। देखो तो ये फायदा होता है सिल्क टच का, ठीक है। अब यार इसको मैं बाद में पूरा कर दूंगा। तो ठीक है, हमने एनविल से एनचेंटिंग करनी तो सीख ली है, बट एनविल को बनाते कैसे हैं? तो एनविल को बनाने के लिए बहुत आसान रेसिपी है। आपको कुछ ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, पहले तो आयरन के, काफी सारा आयरन लग जाएगा, तो 3 ब्लॉक्स चाहिए आयरन के। अरे 2 ही बन पाए, बट कोई बात नहीं, मेरे पास आयरन की कमी नहीं है, मैं और लेके आ जाता हूँ। मेरे पास पूरा फार्म है आयरन का। अगर आप चाहते हो कि मैं आयरन फार्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। ये रहा मेरा आयरन फार्म का एंट्रेंस, इधर देखो कितना सारा आयरन है मेरे पास, मतलब कमी नहीं है ब्रो आयरन की। तो ऊपर चलते हैं इधर से। तो 2 ब्लॉक बन गए थे, जस्ट 1 ब्लॉक और बनाना है। तो इस तरीके से आयरन रखना होता है, तो 1 और ब्लॉक बन गया। अब क्या करना होगा, इन 3 ब्लॉक को यहाँ पे इस तरीके से रखना है और नीचे कुछ आयरन के इंगेट रख देने हैं ऐसे, तो एनविल बन के तैयार हो जाएगा। चलो बना लेते हैं, बिकॉज बहुत सारा आयरन है अपने पास, तो 2-2 एनविल रख लेते हैं। देखो तो यार गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली मैंने सारी बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, एंड अगर मेरे से कोई चीज रह गई हो तो प्लीज माफ कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं अपनी अगली ट्यूटोरियल वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एनचेंटिंग के बारे में। मे बी इन फ्यूचर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ एनचेंटिंग पे, बट अभी के लिए तो इतना ही था। ओके बाय।